बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहाबी अजमाईन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सैटरडे नाइट लाइव विद मी राजा ज़ियाउल हक एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस वक्त लाहौर के खूबसूरत शहर में मौजूद हूँ और मेरे साथ बड़े दो खूबसूरत भाई भी मौजूद हैं। एक तरफ मेरे ब्रदर मोहम्मद अली बैठे हुए हैं माशाल्लाह और दूसरी तरफ शेख मुगीरा लुकमान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह आप लोगों से इसी बहाने मुलाकात हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे खुशी की बात यह कि मैं एक्चुअली जब से लाहौर आया हूँ, शायद आप में से जो लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, आपको शायद आइडिया होगा कि मैं छोटी छोटी पोस्ट लाहौर के बारे में शेयर कर रहा था और मुझे ये था कि मैं अगर लाहौर आऊं और इन भाइयों से ना मिलूं तो क्या ये खुला तजाद नहीं। तो मेरे क्या मैं आप लोगों से मुलाकात करूं। और मैं थोड़ा देर के मुझे ख्याल ये भी आया कि मीडिया की बात छोड़ते हैं ऐसे गप्पे मारते हैं और लोगों को हम ये भी दिखा देते हैं लाइव, कभी कभार ये भी होना चाहिए। लेकिन बहरहाल आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हम कोशिश करते हैं कि जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके ऊपर बात करें। मीडिया से रिलेटेड हमारा जो आज टॉपिक है वो है बेशर्म मीडिया। और बेशर्म मीडिया कहने का असल वजह यह है कि अगर आप पिछले सालों के कुछ ट्रेंड्स को देखें तो ऐसा लगता है जैसा कि मीडिया के अंदर जो बेहयाई है, मीडिया के अंदर जो फोहश कंटेंट है, मीडिया के अंदर जो इसी से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनमें यानी दर्जा बदर्जा इजाफा होता चला जा रहा है। और इसके बारे में दर्जनों रिसर्चेस भी मौजूद हैं जहां पे ये बात मेंशन्ड है। 2007 की एक रिसर्च है जिसमें मेंशन्ड था कि ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स मीडिया के अंदर वायलेंस इंक्रीज हुआ है। अगर आप मूवीज का डेटा उठा के देखें, ड्रामास का डेटा उठा के देखें, वायलेंस, ब्लड, गोर, ये इंक्रीज हुआ है। जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट है वो इट्स गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स। उसके अलावा अब्यूसिव लैंग्वेज, ड्रग्स एंड अल्कोहल रेफरेंसेस एंड सो ऑन। हत्ता के जो आपका कंटेंट है वो इस तरह से पेश किया जा रहा है कि जो उसकी जो पीजी रेटिंग्स हुआ करती थी उनमें भी फर्क पड़ गया। यानी कुछ अरसा पहले तक एक अगर फिल्म जो थी वो आर रेटेड होती थी या उसके ऊपर एक एक्सप्लिसिट कंटेंट रखा होता था, अब वो जो है वो 15 साल के बच्चों को भी मार्केट की जा रही है। सेम गोज विद द म्यूजिकल कंटेंट एंड ऑल दैट। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा वो ये है कि जब हम ये बात करते हैं कि जी मीडिया बेहया हो रहा है और बेशरम हो रहा है और ये वो, तो कुछ लोग इतराज ये करते हैं कि भाई मीडिया जो है ना इट्स हार्मलेस एंटरटेनमेंट। ठीक है, आप मौलवी लोग जो है ना ऐसे ही टेंस होना शुरू हो जाते हैं। मीडिया जो है वो हार्मलेस एंटरटेनमेंट है, इंसान थका हुआ घर आता है चाहे वो स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, वो एक फिल्म देख लेता है, ठीक है, वो कोई ड्रामा देख लेता है, इवन के वो पॉर्न देख लेता है, अल्लाह माफ करे उधर, तो इट्स हार्मलेस फन। तो मौलवियों को क्या तकलीफ हुई है कि तुम लोग हर चीज को हराम हलाल शुरू कर देते हो? सो मोहम्मद अली भाई, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे लूंगा कि इज इट हार्मलेस फन, डज मीडिया हैव द पावर टू मैनिपुलेट यू और नॉट एट ऑल? जज़ाकअल्लाह खैर ज़िया भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह एंड अस्सलामु अलैकुम टू ऑल द ऑडियंस। ज़िया भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने चूज़ किया। और इससे पहले कि हम मीडिया पे बात करें, एक डिस्क्लेमर है कि हम भी मीडिया यूज़ करते हैं, हम भी क्वालिटी वर्क करते हैं, तो हम मीडिया के खिलाफ नहीं है, सच टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है। बट हमारा टॉपिक ये है कि द टाइप ऑफ कंटेंट विच इज बीइंग शोन, उसका क्या इम्पैक्ट है और कितना एग्रेसिवली वो कंटेंट जो है दिखाया जा रहा है। अभी नेटफ्लिक्स पे मैं बात करूंगा तो कुछ आपके सामने इंशाल्लाह सिचुएशन रखूंगा। सवाल के मीडिया का इम्पैक्ट है कि नहीं है, तो बड़े नाम है, जैसे आपने कहा देर आर टन्स ऑफ रिसर्च इज अवेलेबल। एक नाम बस मैं आपको बताऊंगा, सर्ट जेली, SUTT JHELLY, ही इज अ PhD प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी किलिंग अस सॉफ्टली, उसके 4 पार्ट्स हैं। और वो डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने एक्सपोज किया कि एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री किस तरह से वुमेन को सेक्सुअलाइज कर रही है, ऑब्जेक्टिफाई कर रही है, और उसके कितने हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं ऑडियंस के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर जो डिप्रेशन में जा रही है अपने फिगर्स को लेके, जो इस वक्त अपनी सेक्सुअलिटी को लेके, अपनी बॉडी को लेके और किस किस तरह के डिसऑर्डर्स उनमें पैदा हो रहे हैं। एनोरोजिया, नर्वोसा एनोरोजिया, दिस इज वन सच डिसऑर्डर के दे ईट फूड एंड देन दे लाइक टू वॉमिट इट आउट। यानी ये ऑस्ट्रेलिया में 15-15 साल की बच्चियां, ऑस्ट्रेलियन एक रिसर्च है कि वो इस डिसऑर्डर की शिकार है। और डिप्रेशन इतनी ज्यादा है कि दे थिंक के दे आर नॉट ब्यूटीफुल, दे थिंक के दे डू नॉट सूट दैट क्राइटेरिया जो क्राइटेरिया मीडिया दिखा रहा है। तो ये ही सच पर्सन
ये मैंने ऑडियंस के लिए कोट किया है कि ऑब्वियसली अब इसकी सारी रिसर्चेस तो हम कोट नहीं कर सकते, फिर इन्होंने हर एंगल से मीडिया का प्रोपेगेंडा दिखाया। एक और डॉक्यूमेंट्री रियल बैड अरब्स, उसमें इन्होंने दिखाया कि किस तरह हॉलीवुड ने अरब्स को एक नेगेटिव कैरेक्टर शो किया, उनकी लाइफ को बिल्कुल एक वर्थलेस लाइफ शो किया। और वजह क्या है, आज के मुसलमान का खून बहता है, अरब का खून बहता है, आप सीरिया कॉन्फ्लिक्ट देख लें, आप पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट देख लें, कितने लोग हैं जिनकी जो है वो थोड़ी सी जो है ना मतलब जमीर जागे या उन्हें एहसास हो कि बहुत बड़ा कोई हादसा हो रहा है। ऑन दी अदर साइड जब वेस्ट में कोई हादसा हो, जब जाहिर है वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी डोंट डिनाई दैट, वी टोटली एम्पथाइज विद देम जब भी कोई अटैक हो, बट आप देख लें जब मुसलमान पे हमला होता है, अरब्स पे हमला होता है, ऑन दी अदर हैंड जब गोरों पे होता है तो कितना तजाद हमें नजर आता है। फिर इसी तरह इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट पे बनाई कि इसराइल की जो लॉबी है वो किस तरह से यूएस मीडिया में घुसी हुई है, इन्फ्लुएंस कर रही है, लोगों के माइंड्स को शेप कर रही है। तो दिस इज दैट पर्सन जिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं, इन्होंने कितना ज्यादा इंपैक्ट मीडिया का बताया। ये पीएचडी प्रोफेसर है कम्युनिकेशंस के। तो जब ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग, ऐसे कॉम्पिटेंट लोग ये बात कर रहे हैं, तो हम किस उससे कहते हैं कि नहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और ये दिस इज जस्ट वन नेम आई एम गिविंग यू। और फिर इसी तरह नोआम चॉम्स्की, अक्सर आप पूरी किताबें हैं, वो पूरी किताबें मीडिया के प्रोपेगेंडा पे। तो ये एक फुलिश बात है और ये बेसिक साइकोलॉजी और बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी की नेगेशन है कि मीडिया का कोई इम्पैक्ट नहीं है। इट इज नॉट जस्ट प्लेन एंटरटेनमेंट, इट इज नॉट इनोसेंट एंटरटेनमेंट, इसके बहुत बुरे असरात हैं जो हम देख रहे हैं इस वक्त। तो वो इंशाल्लाह वक्त के साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, मैं बड़ी सी आपने बात की, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया जो है ना वो, इट इज प्रूवन बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट कि मीडिया हैज द पावर टू मैनिपुलेट यू इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अगर आप मीडिया पे पॉजिटिव कंटेंट दिखाना शुरू करेंगे तो बंदों की इस्लाह भी बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है, लेकिन अगर आप उस पर नेगेटिव बम्बार्डमेंट करेंगे जैसे आपने एग्जाम्पल्स दी हैं, उससे वाकई में यू नो व्हेन यू सी दीज इमेजेस एंड व्हेन यू सी सर्टेन थीम्स बीइंग प्लेड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, जाहिर सी बात है आपके लाशऊर में भी उसका असर पड़ रहा है, आपके थिंकिंग में उसका असर पड़ रहा है, आपका वर्ल्ड व्यू से चेंज हो सकता है, हत्ता कि आपका बिहेवियर भी उसे चेंज हो सकता है।